जो भी स्टूडेंट फिजिकल रिपोर्टिंग करवाने जा रहे हैं उनके लिए एक वार्निंग है। तो आप जब कॉलेज विजिट कर रहे हो, मेक श्योर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप ओरिजिनल सबमिट मत कर दीजिएगा। हर एक डॉक्यूमेंट का जीरोक्स कॉपी सबमिट करना विद सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है। क्योंकि होता क्या कि सपोज आपने सबमिट कर दिया उस कॉलेज में, ठीक है, एंड आपका राउंड टू में कोई और कॉलेज मिल चुका, अब वहाँ पर आप जाओगे एडमिशन करवाने, ठीक है, तो वो कॉलेज आपसे मांगेगा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है कि दिखाओ। कोई मांगता नहीं है, बस शो करने के बोलता है, बाकी जो सबमिशन है वो सब कुछ आपका जीरोक्स कॉपी होता है। तो अगर वो कॉलेज मांगता है एंड जो ये जो कॉलेज है ये बोलता है कि नहीं आपको कुछ दिन और वेट करना पड़ेगा तभी हम लोग देंगे, तो प्रॉब्लम है। तो सपोज आपसे कॉलेज अगर जोर जबरदस्ती कर भी रहा है कि हाँ आप दीजिए जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, तो मेक श्योर उनसे पूछो कि क्या अगर मुझे राउंड टू में कोई कॉलेज मिलता है तो क्या आप लोग ये दे दीजिएगा। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि लाइक आप लोग सिंपली बोलो मैंने WBG बोर्ड को कॉल किया था, WBG बोर्ड ने कहा कि आपको सबमिट नहीं करना पड़ेगा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, सिर्फ जीरोक्स को भी सबमिट करना पड़ेगा। झूठ बोलो कि मैंने कॉल किया था, अब बोला कि पेरेंट्स कॉल किए थे, ठीक है, तो हो सकता है कि कॉलेज आपसे वो नहीं मांगेगा। कॉलेज इसलिए करते हैं कि आपका जो सीट है ब्लॉक हो जाए एंड जो राउंड टू में सपोज है वो आप जा ही ना पाओ, ठीक है। तो ये गलती मत कर बैठना। लास्ट ईयर कोई स्टूडेंट गलती कर बैठे थे कि उनका जो डॉक्यूमेंट है वो सारा ओरिजिनली सबमिट कर दिया था। एंड देखो कोई भी सबमिट नहीं करता ओरिजिनल, वो एडमिशन हो या फिजिकल रिपोर्टिंग हो, ओरिजिनल हमेशा आपके पास ही होना चाहिए। वो कोई भी क्यों ना हो, 10th का मार्क्स, 12th का मार्क्स, डोमिसाइल, TAB, सब आपके पास ही होना चाहिए हमेशा के लिए। सिर्फ जीरोक्स कॉपी सब कोई लेता है। सो लास्ट ईयर कुछ कॉलेज प्रॉब्लम किए थे एंड देन राउंड टू में वहाँ पर जब जा रहे थे तो वहाँ पर इश्यू रेज हो गया था। क्यों? वो जो कॉलेज है आपसे ओरिजिनल शो करने को बोल रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर है तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करना, सिंपली जो सब्सक्राइब का बटन है क्लिक कीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करते हो तो आपको यहाँ पर फाइनल एडमिशन तक हेल्प मिल रहा होगा, ठीक है। एंड स्टिल कुछ क्वेरी रह जाता है तो आप फ्रीली कनेक्ट कर सकते हो, ये मेरा इंस्टा आईडी है, अब मैं यहाँ पर एक्टिव रहता हूँ तो आप जब चाहे कनेक्ट कर सकते हो।